2000 जिसमें गुरु और बड़ी ही उत्साह के साथ तब ये महान योद्धा युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार था। तभी उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि जिनके साथ वह युद्ध करने वाले ही वे उनके अपने ही हैं। एक ओर महाभारत का युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच। कुछ क्षण अर्जुन बोले, युद्ध में जाना मेरा धर्म है, लेकिन अपने धनुष से मैं जिन लोगों पर प्रहार करने वाला होगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने हथियार न उठाने का फैसला किया और बोले, उन्होंने अर्जुन को तक अपने विराट रूप से परिचित करवाया। श्री कृष्ण जो कि हथियार उठाने से मना नहीं करते, तो वे एक ही क्षण में युद्ध को धर्म के हित के लिए विजय का करना है, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ के जन्म दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। भगवत श्री गीता का हिंदू समाज में सबसे ऊपर स्थान माना जाता है। इससे सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कुरुक्षेत्र के युग में अर्जुन अपने संगों को दुश्मन के रूप में देख लक्ष्मी जी को उत्तर दिया कि लक्ष्मी, मैं जो गीता जो शास्त्र है, जो गीता नाम है, मैं उसका अपने हृदय में जो है भजन करता हूँ, सिमरन करता हूँ, और उसी का आनंद जो है मुझे आ रहा है, इसलिए मेरी आंखें जो है वो नम हो रही हैं। मुझे आपके पांव दबाने से वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, आनंद मुझे उस गीता रूपी शास्त्र के अध्ययन से जो है वो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत गीता जी के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक परम ग्रंथ है, इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। भगवान के गुण प्रभाव जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य मिलना कठिन है। यही उपदेश गीता में लिखा हुआ है, जिसमें मनुष्य जाति के सभी धर्मों एवं कर्मों का समावेश है। गीता केवल हिंदू सभ्यता को मार्गदर्शन नहीं देती, ये जातिवाद से कहीं ऊपर मानवता का ज्ञान देती है। मन उजियाला जब जब पहले धन उजियाला। देखिए आज पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हिंदू मत को, सनातन मत को मानने वाले मेरे भाई रहते हैं, वो इस गीता जयंती के पर्व को, गीता जयंती के उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। खासकर कुछ क्षेत्र के अंदर आज देखिए कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और गीता जयंती मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज गीता भवन के इस सुंदर परिसर के अंदर भी गीता जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखिए वाइदिक ये पहला ग्रंथ है जिसका हम जन्म उत्सव मनाते हैं और भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ। आज से 7000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान जी ने गीता के अंदर, कृष्ण भगवान जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े हुए होकर अपने मुख से इस गीता का ज्ञान अर्जुन जी को दिया था। और मैं ये मानता हूँ आप भी देखेंगे जिसने भी उस कृष्ण भगवान जी के इस बताए हुए, इस गीता जी के बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश की, वो धन्य हो गए। जैसे अर्जुन धन्य हो गए, उसी तरह से जो जो भी इस रास्ते पे चलता है वो धन्य हो जाता है। इसलिए मेरी सभी अपने भाइयों बहनों से ये विनती है कि हमें हर रोज कृष्ण भगवान जी के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, उस गीता जी का श्रवण करना चाहिए और हर रोज गीता जी के एक अध्याय का जरूर घर के अंदर जो है वो पाठ करना चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर खुशहाली रहे और हम कृष्ण भगवान जी के उस गीता उपदेश के ऊपर चलें और हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाए।